हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज। तो 3-4 दिन पहले मैंने वीवो X90 और आईफोन 14 प्लस का एक कंपैरिजन डाला, जिसमें मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि कब दोनों का एक इनडेप्थ कैमरा कंपैरिजन कर रहे हो। तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है। तो आज मैं दोनों का एक इनडेप्थ कैमरा कंपैरिजन करूंगा, जिसमें मैं कंपेयर करूंगा दोनों के डे नाइट इंडोर और पोर्ट्रेट शॉट्स। साथ में दोनों का एक वीडियो कंपैरिजन भी करूंगा और आपको बताऊंगा कौन सा फोन बेटर है 60,000 में कैमरा के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो वीवो X90 में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईफोन 14 प्लस में ड्यूल कैमराज है, 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे डे टाइम वीडियोज। ये दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60fps पर। कलर्स वीवो में ज्यादा वाइब्रेंट है और डायनेमिक रेंज भी बेटर है, क्योंकि डार्क एरियाज में डिटेल्स ज्यादा ब्राइट है। स्टेबलाइजेशन आईफोन का थोड़ा बेटर है। HDR भी वीवो का अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि सन ऑपोजिट में आने के बाद आईफोन में फोरग्राउंड डार्क हो गया है। यह है सेल्फी वीडियो सैंपल 1080p 60fps पर। यहाँ वीवो का HDR काफ़ी बेटर काम कर रहा है। आईफोन में स्काई पूरी तरह ओवर एक्सपोज्ड है। वीडियो स्टेबलाइजेशन दोनों का काफ़ी सिमिलर है। कलर्स भी वीवो के ही ज़्यादा प्रॉपर है। अब करते हैं फोकस टेस्ट। वीवो X90 में फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस और लेजर ऑटो फोकस दोनों मिलता है, और फोकस स्पीड इसमें काफ़ी फास्ट एंड एक्यूरेट है। आईफोन में ड्यूल पिक्सल फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस है और इसका भी फोकस स्पीड काफ़ी फास्ट है, कोई इशू नहीं आता फोकस करने में। अब देखते हैं फोटोज़। ये फर्स्ट फोटो दोनों में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आईफोन में कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट और फोटो ब्राइट है। वीवो में कलर्स नेचुरल है और प्रॉपर भी है। आईफोन में थोड़ा कूलर कलर टोन आया है, लेकिन क्रॉप करने पर डिटेल दोनों में ही काफ़ी सिमिलर है। जबकि वीवो में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और आईफोन में 12 मेगापिक्सल का। इस सेकेंड फोटो में भी आईफोन वाइब्रेंट और वीवो नेचुरल है, बट इस बार दोनों के कलर्स और ब्राइटनेस सेम है और क्रॉप करने पर डिटेल्स अभी भी सिमिलर है। इस फोटो में डायनेमिक रेंज वीवो में काफ़ी बेटर है, क्योंकि शेडोज ज़्यादा ब्राइट है। आईफोन में कुछ एरियाज जैसे ट्री और स्विफ्ट का टायर काफ़ी डार्क है, बाकी कलर्स भी स्विफ्ट का वीवो में प्रॉपर है। इस फोटो में दोनों में कलर्स काफ़ी सिमिलर है, बस डायनेमिक रेंज ही वीवो में थोड़ी बेटर है, क्योंकि शेडोज ज़्यादा ब्राइट है ट्री के नीचे वाले एरिया में। बट आईफोन भी काफ़ी अच्छा है इस बार। डायनेमिक रेंज वीवो में मोस्ट ऑफ द फोटोज में बेटर है आईफोन से। आईफोन पता नहीं क्यों शेडोज को डार्क कर देता है। कलर्स भी वीवो में नेचुरल और प्रॉपर रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आईफोन में भी कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट फोटो डार्क रहने की वजह से ज़्यादा सैचुरेटेड लगते हैं। वीवो में ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा है, बट फिर भी क्रॉप करने पर डिटेल दोनों में ही सिमिलर रहती है। बट ये एक फोटो है जहाँ आईफोन ने बेटर कलर्स और डायनेमिक रेंज रखा है। वीवो का फोटो काफ़ी डल और कलर्स अजीब है, जबकि आईफोन ने बिल्डिंग का प्रॉपर कलर कैप्चर किया है। बट अल्ट्रा वाइड पर शिफ्ट होने के बाद वीवो का डायनेमिक रेंज थोड़ा बेटर हो जाता है, बट आईफोन इस बार ज़्यादा पीछे नहीं है। वीवो में 2x ऑप्टिकल जूम भी दिया गया है बेटर जूमिंग शॉट्स के लिए। ये फाइनल लैंडस्केप शॉट है और वीवो ने काफ़ी बेटर फोटो कैप्चर किया है। फोटो ज़्यादा ब्राइट है। ZS मोड एक्चुअली काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज करता है फोटो को कलर्स और डायनेमिक रेंज में। आईफोन की ब्राइटनेस काफ़ी कम है और सेम स्टोरी अल्ट्रा वाइड पर भी कंटिन्यू हो रही है। इनफैक्ट आईफोन का डायनेमिक रेंज यहाँ पर और बेकार हो गया है, क्योंकि पूरा ट्री वाला एरिया काफ़ी डार्क है। यह है वीवो का 2x जूम सैंपल, बट आईफोन में कोई भी ऑप्टिकल जूम नहीं है। दोनों में ही सभी लेंस के बीच कोई कलर शिफ्टिंग का इशू नहीं आता। वीवो में मैक्सिमम 20x जूम है और आईफोन में 5x मैक्सिमम जूम, जिसकी वजह से वीवो काफ़ी आगे तक जूम कर सकता है 2x ऑप्टिकल लेंस की वजह से। और अगर आईफोन को सेम लेवल पर क्रॉप करेंगे तो वीवो में डिटेल्स ज़्यादा विजिबल है, आईफोन का फोटो काफ़ी ब्लरी है। अब चेक करते हैं HDR। इस फर्स्ट वाले फोटो में दोनों का HDR काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि सन ऑपोजिट पर नहीं है, इसीलिए हाइलाइट्स और शेडोज को दोनों ने काफ़ी अच्छे से प्रोसेस किया है। बस आईफोन थोड़ा ज़्यादा बेटर है। इस फोटो में भी मैं आईफोन को ही प्रीफर करूंगा। स्काई और शेडोज के बीच प्रॉपर बैलेंस है। वीवो ने शेडोज तो आईफोन जितने ही ब्राइट रखे हैं, बट स्काई में डिटेल्स आईफोन जितनी नहीं है। ये थोड़ा ट्रिकी HDR कंडीशन है और यहाँ दोनों का HDR काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बट कलर्स मैं वीवो के प्रीफर करूंगा। आईफोन में कलर्स थोड़े वॉश्ड आउट है, जो मोस्टली हमेशा से ही होता है आईफोन में जब ग्रास और ट्रीज का फोटो लेते हैं। इस फोटो में फर्स्ट लुक में दोनों का HDR सेम लग रहा है, बट ऊपर जो क्लाउड है वो आईफोन में थोड़ा ओवर एक्सपोज्ड है। बाकी फोरग्राउंड दोनों में ही सेम लेवल पर ब्राइट है, बट जैसे जैसे कंडीशंस थोड़ी ट्रिकी होती है वैसे ही वीवो का HDR बेटर दिखने लगता है। जैसे इसमें आईफोन ने स्काई को पूरा ओवर एक्सपोज कर दिया है, जबकि वीवो में स्काई की डिटेल्स प्रॉपरली विजिबल है। कलर्स भी आईफोन में थोड़े से वॉश्ड आउट है। इस वाले फोटो में सन एरिया को दोनों ने ही अच्छे से कंट्रोल किया है, बट वीवो में फोरग्राउंड ठीक ठाक ब्राइट है, जबकि आईफोन में बिल्डिंग और ट्री काफ़ी डार्क हो गया है। आईफोन यूजुअली डायरेक्ट लेंस पर सन रेज आने पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, और ये इशू के बारे में काफ़ी आईफोन 14 ओनर्स कंप्लेन कर रहे हैं। आई होप एप्पल इसे जल्दी सॉल्व कर दे। अब देखते हैं पोर्ट्रेट सैंपल्स। ये 1x पोर्ट्रेट है। यहाँ आईफोन ने प्रॉपर स्किन टोन्स और कलर्स कैप्चर किया है। वीवो में हल्का सा रेड टिंट है स्किन पर, बाकी एजेस दोनों में ही डिसेंट है।
क्योंकि आईफोन ने ईयर को ब्लर किया है और वीवो ने हैंड के कॉर्नर्स को। डिटेल दोनों में ही काफी शार्प है। वीवो में 2x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं जिससे बेटर इफेक्ट मिलता है, बट फिर भी ओवरऑल कलर्स में आईफोन ही प्रॉपर है। इस सेकंड पोर्ट्रेट में भी आईफोन ही बेटर है क्योंकि पर्सन को अच्छा खासा ब्राइट रखा है और स्किन टोन्स भी प्रॉपर है। यहाँ भी वीवो में थोड़ा सा रेड टोन है जो क्लियरली पता चल रहा है स्किन, टी शर्ट के कलर्स और व्हाइट लोगो पर। एज डिटेक्शन यहाँ आईफोन में थोड़ा बेटर है, वीवो कॉर्नर्स को थोड़ा ब्लर कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी X90 में 2x पर भी पोर्ट्रेट का ऑप्शन है जो एक एडवांटेज है, बट कलर्स 2x पर भी आईफोन जितने अच्छे नहीं आते। यह है सेल्फी पोर्ट्रेट। यहाँ दोनों में स्किन टोन काफी सिमिलर है लेकिन आईफोन का फोटो ज्यादा ब्राइट है। वीवो ने सनलाइट कंट्रोल करने के लिए फोटो को थोड़ा डार्क कर दिया है। बाकी डिटेल्स भी आईफोन में ही शार्प है, जबकि वीवो का सेल्फी कैमरा ज्यादा मेगापिक्सल का है। इंडोर सेल्फी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, यहाँ बस आईफोन नेचुरल है और वीवो ज्यादा वाइब्रेंट है। डिटेल्स अभी भी आईफोन में ही ज्यादा शार्प है। बाकी एज डिटेक्शन दोनों में सिमिलर है। वीवो में एडिशनल मैक्रो मोड भी मिलता है जिससे आप ऑब्जेक्ट के काफी सामने से फोटो ले सकते हैं, जबकि आईफोन में सामने से फोटो लेने पर कुछ फोकस नहीं होता। अब देखते हैं इंडोर सैंपल्स। इस फर्स्ट फोटो में कलर टोन्स दोनों में काफी सिमिलर है, बस वीवो ज्यादा वाइब्रेंट है। डायनेमिक रेंज दोनों का काफी सिमिलर है लेकिन डिटेल्स आईफोन में ज्यादा शार्प है जो क्रॉप करने पर क्लियरली विजिबल है। इस सेकंड फोटो में भी वीवो ज्यादा वाइब्रेंट है और इस बार डायनेमिक रेंज भी वीवो की थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि रिलायंस का जो बैनर है उसका ब्लैक वीवो में ज्यादा ब्राइट है जबकि आईफोन में डार्क हो गया है, बट इस बार भी डिटेल्स आईफोन में ही ज्यादा शार्प है। इंडोर में वीवो हमेशा डायनेमिक रेंज में बेटर होता है आईफोन से। कलर टोन्स दोनों में काफी सिमिलर रहते हैं और अल्ट्रावाइड लेंस पर तो वीवो और भी बेटर हो जाता है डायनेमिक रेंज में, क्योंकि शेडोज और ओवरऑल फोटो की ब्राइटनेस ज्यादा रहती है। यह है इंडोर पोर्ट्रेट और यहाँ की लाइटिंग के हिसाब से कलर्स और स्किन टोन्स आईफोन में प्रॉपर है। वीवो में थोड़े कूलर कलर टोन्स आए हैं। एज डिटेक्शन में आईफोन ही बेटर है क्योंकि वीवो ने ईयर के पास एजेस में इशू किया है बैकग्राउंड को ब्लर करने में। अब देखते हैं नाइट पोर्ट्रेट्स। यहाँ आईफोन का कलर नेचुरल है जबकि वीवो में काफी वार्म टोन है, लेकिन वीवो में डार्क एरियाज जैसे जो ऊपर का ट्री है और नीचे पैंट की डिटेल्स है वो बेटर विजिबल है, जबकि आईफोन में डिटेल्स विजिबल ही नहीं है। फोटो वीवो का ज्यादा शार्प है, आईफोन का फोटो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। इस फोटो में कलर्स वीवो के ज्यादा नेचुरल है और आईफोन ज्यादा वार्म हो गया है लेकिन आईफोन ज्यादा ब्राइट है। फोटो क्रॉप करने पर डिटेल्स दोनों में ही काफी शार्प है। इस बार एज डिटेक्शन दोनों में अच्छा है, बट आईफोन में बैकग्राउंड अच्छे से विजिबल है जबकि वीवो में डार्क हो गया है। रात में अच्छी लाइटिंग में दोनों काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता। दोनों डार्क एरियाज में डिटेल्स अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं, कभी वीवो हल्का ब्राइट और वाइब्रेंट होता है तो कभी आईफोन, बट जब लाइटिंग थोड़ी हार्श या कम होती है तब वीवो बेटर रहता है क्योंकि फोटो ज्यादा ब्राइट आता है। डार्क एरियाज में डिटेल्स बेटर विजिबल रहती है, जैसे इसमें पीछे की बिल्डिंग की कुछ डिटेल्स विजिबल है वीवो में, बट आईफोन में वो काफी डार्क हो गया है, बट आईफोन ज्यादा शार्प रहता है नाइट में। यहाँ पर भी मैं वीवो को प्रेफर करूंगा क्योंकि आईफोन ने कुछ एरियाज को काफी डार्क कर दिया है, जबकि वीवो में वो डिटेल्स इजीली विजिबल है, बट थैंकफुली दोनों ने लाइट्स को ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं किया। फर्स्ट लुक में ये फोटो दोनों में काफी सिमिलर है, वीवो में थोड़ा लेंस फ्लेयर है, बट क्रॉप करके देखेंगे तो जहां लाइटिंग है वहां डिटेल्स वीवो ने बेटर मेंटेन किया है, जबकि आईफोन ने काफी हाईलाइट्स को ब्लोन आउट कर दिया है, बट शार्पनेस आईफोन में बेटर है जो स्टोर के बोर्ड पर विजिबल है। ये एक और फोटो है जहां इस लेवल पर तो आईफोन ज्यादा ब्राइट है, बट क्रॉप करने पर आप देख सकते हैं कि काफी डिटेल्स आईफोन में ब्लोन आउट है, जबकि वीवो ने जहां लाइट पड़ रही है वहां की डिटेल्स बेटर मेंटेन किया है। और यही इशू आईफोन 13 प्रो मैक्स में भी था और इस साल के आईफोन 14 सीरीज में भी है। ऊपर से यहां आईफोन में लाइटिंग का गोस्ट इमेज भी आया है। यहां पर कलर्स वैसे तो आईफोन में नेचुरल है, वीवो में थोड़ा सा ब्लू टिंट है और ज्यादा वाइब्रेंट है। बाकी दोनों की ब्राइटनेस काफी सिमिलर है और डिटेल्स इस बार दोनों में ही काफी शार्प है। यहां पर भी लास्ट फोटो जैसा ही डिफरेंस है, आईफोन में कलर्स प्रॉपर और नेचुरल है और वीवो में ज्यादा ब्लूइश टिंट है। बाकी ब्राइटनेस दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। यह है नाइट सेल्फी। यहाँ वीवो बेटर है क्योंकि फोटो काफी शार्प है, आईफोन में डिटेल्स थोड़ी ब्लरी है, स्किन टोन दोनों में ही काफी सिमिलर है। यह है नाइट वीडियो सैंपल 1080p 60fps पर। वीवो का वीडियो काफी ब्राइट है, कलर्स ज्यादा वाइब्रेंट है। आईफोन में कलर्स थोड़े नेचुरल है बट ब्राइटनेस काफी कम है वीवो के सामने, लेकिन आईफोन का स्टेबिलाइजेशन बेटर है और वीडियो ज्यादा स्मूथ है। वीवो में मूवमेंट्स के वक्त हल्का हेजी इफेक्ट आता है। यह है सेल्फी वीडियो सैंपल 1080p 60fps पर। वीवो यहाँ ज्यादा ब्राइट है बट कलर्स आईफोन के बेटर है। वीवो में हल्का सा ब्लूइश टोन है। बाकी लाइट बैक में आने पर आईफोन पूरी तरह डार्क हो गया है, जबकि वीवो काफी हद तक फेस के डिटेल्स मेंटेन कर रहा है, बस आईफोन का वीडियो थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। वीवो में जीएस मोड ऑन करने पर वीडियो की क्वालिटी और इंप्रूव हो जाती है, बट फिर वीडियो सिर्फ 1080p 30fps पर ही शूट होता है। तो ये था मेरा इनडेप्थ कैमरा कंपैरिजन वीवो X90 और आईफोन 14 प्लस का। वीवो X90 HDR, इंडोर शॉट्स, नाइट सेल्फी, डे एंड नाइट वीडियोस और मोस्ट ऑफ द नाइट शॉट्स में बेटर है तो आईफोन आउटडोर एंड इंडोर पोर्ट्रेट्स, आउटडोर एंड इंडोर सेल्फी में। डे टाइम शॉट्स में कोई क्लियर विनर नहीं है क्योंकि कभी आईफोन बेटर था तो कभी वीवो। तो इस कैमरा टेस्ट में दोनों फोन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बट वीवो ने टेस्ट जीता है ज्यादा कैटेगरीज में बेटर फोटो कैप्चर करके। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन से फोन का कैमरा बेटर लगा, और अगर आपको हमारी ये कैमरा टेस्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।